हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनुपी स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 3 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियम का परिभाषा किसने दी थी, यानी गुरुत्वाकर्षण के बारे में किसने बताया था। तो सर्वप्रथम किसने बताया था, 1686 ईस्वी में किसने बताया था, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसा आकर्षण बल है जो किसी दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो किसने दिया था, न्यूटन जी ने दिया था। किसने दिया था, न्यूटन जी ने दिया था। तो पहला का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए न्यूटन ने। किसने दिया था, न्यूटन ने, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। बात समझ में आई होगी। सेकेंड नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, यानी गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वीय क्षेत्र कहाँ पे ज्यादा होती है, कहाँ पे ज्यादा होती है। तो हमने बताया था कि जो ध्रुव है, क्या है, जो ध्रुव है वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ज्यादा काम करता है। क्या होता है, ज्यादा काम करता है यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल, यानी जी का मान क्या होता है यहाँ पे, ज्यादा होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका दूसरे का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ए, यानी जो ध्रुव होता है वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करती है तो यहाँ का पोर्शन बहुत कम गति करता है, जबकि ये जो वाला बीच वाला पोर्शन होता है ये ज्यादा मूवमेंट करता है, ठीक है। तो इस कारण यहाँ पे क्या होता है, गुरुत्वीय बल ज्यादा होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र ज्यादा होता है। बात समझ में आई होगी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान है। हम लोगों ने जी का मान थ्योरी में देखा है कितना आया है, 6.67×10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, इतना ही मान होता है कैपिटल जी का। जी हाँ, इतना ही मान होता है। तो ऑप्शन देखिए, इस ऑप्शन में कौन ऑप्शन मैच कर रहा है, इस नंबर से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 6.67×10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ, ठीक है। इसका अगला देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जल की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने से बजाय दो बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान होता है, क्यों। जब आप एक बाल्टी को लेकर जाते हैं हाथ में पानी भर के, तो उसमें चलना कठिन होता है, किसके अपेक्षा, दोनों बाल्टियों में हाथ लेकर चलने की अपेक्षा। कैसे, जब आप एक बाल्टी लेकर चलते हैं, ठीक है, जब आप एक बाल्टी लेकर चलते हैं इस हाथ में, ठीक है, तो आपको एक तो संतुलन बल तो नहीं मिल पाता है अच्छे से, गुरुत्व बल और संतुलन बल दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, उस कारण हम लोग को चलना कठिन हो जाता है। लेकिन जब दोनों हाथों में हम लोग बाल्टी ले लेते हैं, ठीक है, दोनों हाथों में बाल्टी लेकर पानी ले जाते हैं, तो उस समय चलना आसान होता है, क्यों, क्योंकि जो उस समय जो गुरुत्व केंद्र है और संतुलन केंद्र है दोनों एक हो जाता है, क्या हो जाता है, दोनों एक जगह हो जाता है, एक ही पॉइंट पे निर्भर करता है, इस समय चलना आसान होता है, ठीक है। तो कौन से, दोनों हाथों में बाल्टी लेकर चलना आसान होता है, क्यों, क्योंकि जो संतुलन बल होता है और गुरुत्व केंद्र होता है दोनों एक पॉइंट पे फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, देखिए, कह रहा है बाल्टियों का भार संतुलित होता है, नहीं, गुरुत्व केंद्र शरीर में होता है, नहीं, गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है, यानी उसको दोनों बल एक जगह फिक्स हो जाते हैं और कहां पे, पैरों में होते हैं, ठीक है, दोनों एक जगह हो जाते हैं, पैरों पे होते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पांचवे का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बात समझ में आई होगी, ठीक है। आगे देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें सारे न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, ठीक है, अरे सॉरी ऑप्शनल आ रहे हैं। आप एकदम सेम क्वेश्चन जो पॉलिटेक्निक का फिजिक्स का है, गुरुत्वाकर्षण बल का, सेम रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स है, तो आप उस वीडियो को देखिए। मैं तो कहूंगा यही कि आप लोग, पिछले वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में भी कहूंगा कि आप लोग पॉलिटेक्निक का फिजिक्स से तैयारी करिए MR की, ठीक है। उसमें न्यूमेरिकल्स और ऑप्शनल सब सॉल्व कराए गए हैं, इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, इसमें ऑप्शनल फंस जाएंगे
और जो उसका है पॉलिटेक्निक का, उससे आप न्यूमेरिकल समझ पाएंगे कैसे कैसे आता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या करा है। मानव शरीर का भार अधिकतम होता है, मानव शरीर का भार अधिकतम कहाँ होगा भाई? भार बराबर क्या होता है? एम जी होता है, एम जी होता है। जो एम होता है हर जगह तो फिक्स होता है, जो द्रव्यमान होता है हर जगह नियत होता है, तो बदला हम लोग का वेट कब बदलेगा? जब जी का मान बदलेगा। पृथ्वी पे जी का मान कहाँ पे ज्यादा होता है? ध्रुवों पे ज्यादा होता है, सबसे अधिक ध्रुवों पे होता है। इसका मतलब जो व्यक्ति का वेट है, भार है, वो ध्रुवों पे क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। बात समझ में आई ना? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवों पर ही। ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया आपका, क्या? ध्रुवों पर। ध्रुवों पर व्यक्ति का भार क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वीय बल क्या होता है? ज्यादा होता है। और जो हमारा वेट होता है वो गुरुत्वीय बल पे, गुरुत्वीय त्वरण पे ही क्या होता है? निर्भर करता है। ठीक है, उसका मान ज्यादा होगा तो वेट ज्यादा होगा, कम होगा तो कम होगा। बात समझ में आई होगी? चलिए इसको नोट करते हैं, फिर देखते हैं आगे। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए, सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है जी का मान न्यूनतम होता है। जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है? मैंने बताया था जब गुरुत्वीय के बारे में पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बता रहा था, वहां पे भी बताया था। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पढ़ाया था तो वहां पे भी बताया था। जी का मान कहाँ पे न्यूनतम होता है, कहाँ पे अधिकतम होता है? तो ध्रुवों पे क्या होता है? सबसे अधिक होता है। और विषुवत रेखा पे क्या होता है? कम होता है। कहाँ पे? विषुवत रेखा पे। विषुवत रेखा पे क्या होता है? कम होता है। तो छठवें का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा सिक्स नंबर क्वेश्चन का। एकदम सिंपल था, सबको पता होगा। सात नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। तो करता किस पे, किस पे है? एफ बराबर फार्मूला लिख लेते हैं, जी एम एम अपान आर स्क्वायर। ठीक है, यानी दो पिंड है जिनका द्रव्यमान एक का कैपिटल है, एक का स्मॉल है, स्वर्तिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और आर है। इससे निर्भर करता है क्या? गुरुत्वीय बल। ठीक है, तो देखिए कह रहा है पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल पर। हाँ भाई, निर्भर तो करता है, बात सही है। ये पूछ रहा है किस पे निर्भर नहीं करता है, हमको वो ढूंढना है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिएगा। तो इससे तो निर्भर करता है, ऑप्शन ए भाई करेक्ट बात है। कह रहा है पिंडों के मध्य दूरी पर, पिंडों के बीच की मध्य की दूरी पे भी निर्भर करता है, ये भी बात सही है। हमसे गलत बात कौन है वो पूछा है। कह रहा है पिंडों के द्रव्यमानों के योग पर, जो पिंड के द्रव्यमान है इसके योग पे निर्भर करता है। भाई ये तो बात गलत है। क्या एफ जो है ऐसे है, फॉर्मूला ऐसा कहीं है आपका एम प्लस कैप स्मॉल एम अपन आर स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला है? ये सरासर गलत है। ठीक है, ये क्या है? सरासर गलत है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक पे तो निर्भर करता है ये। तो हमसे बात क्या पूछा है, किस पे निर्भर नहीं करता है? तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है, यानी इसके योग पे निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई होगी, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखिए, आठ नंबर क्वेश्चन। आठ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 2 किलोग्राम द्रव्यमान की पिंड तथा पृथ्वी के मध्य गुरुत्वीय बल का मान होगा। दिया गया है पृथ्वी का द्रव्यमान m इतना रखिए तथा पृथ्वी की त्रिज्या इतनी रखिए। यानी ये है पृथ्वी और एक यहाँ पे पिंड है जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम का है और पृथ्वी का मास आपको दिया है, यानी इसको स्मॉल m मान लेते हैं और कैपिटल एम बराबर दिया है। कितना रखना है आपको? 6×10^24। कितना रखना है? 6×10^24 रखना है। और क्या कह रहा है? पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या लेनी है आपकी, आर लेना है। कितना? 6.4×10^6 meter कितना लेना है? तो कह रहा है इनके बीच लगने वाला बल का मान होगा। तो F बराबर फॉर्मूला यहीं पे लिखा है हम लोगों ने, G कैपिटल M स्मॉल M अपन R स्क्वायर। चलिए इसी फार्मूले का यूज करके लिख दे रहे हैं हम। G का मान कितना होता है? 6.67×10^-11 गुणे कैपिटल M का मान कितना है? 6×10^24 गुणे स्मॉल M का मान कितना है? 2 अपान R कितना है? 6.4×10^6 ऐसी का क्या कर दीजिए स्क्वायर। कितनी बात समझ में आई? इसको सॉल्व करिए क्या हो जाएगा, 6.67×6 ये क्या हो जाएगा? इसका गुणा कर दीजिए, 6×12 लिख दे रहे हैं यहाँ पे 12
और इसको क्या करें, घटा देंगे तो 10 की पावर 4 में से गया 3, 2 में से गया 1, इतना हो जाएगा। अब बटे में कितना हो जाएगा, 6.4 × 10, 6.4 और गुड़े 10 की पावर 6 × 12, कितना हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ से इसको कटाएंगे तो यहाँ पे 12 से यहाँ तक 12 तक कट जाएगा, 1 बचेगा, तो 10 की पावर 1 मतलब 10 हुआ, ठीक है। अब इसी को डिवाइड कर दीजिए, यानी कितना बचेगा आपका, 6.67 गुणे 12 और गुणे 10, बटे में कितना बचा है, 6.64 गुणे 6.64। अब इसको आप डिवाइड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान निकल के आएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसका मान निकल कर आएगा 19.5 और बल्क मात्रक न्यूटन। तो कितना लगेगा इनके बीच बल, 19.5 न्यूटन का, ठीक है। 19.5 न्यूटन का क्या लगेगा, बल कार्य करेगा कब, कोई पृथ्वी पे कोई पिंड है, दो किलोग्राम का पृथ्वी पे कोई पिंड है, तो उसके पृथ्वी और इस पिंड के बीच जो लगने वाला बल का मान होगा वो कितना होगा, 19.5 न्यूटन होगा। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन है ना, तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 19.5 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बात समझ में आई होगी, नोट करिएगा, फिर देखते हैं आगे 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में से सही है, निम्न में से कौन सही है, कह रहा है टी प्रोपोर्शनल आर, जो आपका कैथर का तीसरा नियम है ना उसी के बारे में पूछा है। तीसरा नियम सबको पता है क्या होता है, अवर्तकाल का जो स्क्वायर होता है दीर्घ वृत्त के दीर्घ उसके अर्ध दीर्घाक्ष के क्या होता है, तृतीय घात के बराबर होता है, समानुपाती होता है, अर्थात ए क्यू के बराबर होता है, यही होता है ना। तो हमको यही फार्मूला इसमें से फाइंड आउट करना है कौन सा सही है। कह रहे टी प्रोपोर्शनल आर गलत है, टी क्यू टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर गलत है, टी प्रोपोर्शनल आर क्यू ये भी गलत है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल ए क्यू ये क्या है करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी ऑप्शन नंबर सही है। बात समझ में आई होगी, पहले ही मुझसे सब लोग पहले ही हल कर लिए होंगे, आप लोगों को मैं समझाने में लगा था, आप लोग इसको टिक मार लिए होंगे कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सबसे पहले ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था, सबसे पहले ग्रह गति के नियम में किसने बताया था, तो हम लोग किसका नियम पढ़े थे, कैप्लर का नियम पढ़े थे, उन्होंने ही बताया था ग्रह की गति के बारे में। उसके बाद से आए थे कौन, कॉपरनिकस आए थे, उन्होंने बताया था ग्रहों के बारे में। तो सबसे पहले किसने बताया था, न्यूटन कह रहे हैं, क्या बोले थे उनका, कैप्लर ने, किसने, कैप्लर ने, ठीक है, किसने, कैप्लर ने। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है इसका भी देख ले, कैप्लर जोन्स कैप्लर ने, उनका पूरा नाम क्या है, जोन्स कैप्लर, जोन्स कैप्लर। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी वाला, ठीक है, आपका बी वाला ऑप्शन क्या है करेक्ट है, कौन से नंबर का, 10 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 11 नंबर में कह रहा है कि सभी मूल बलों से दुर्बल बल होता है, यानी सबसे दुर्बल मूल बलों में सबसे दुर्बल क्या होता है, यही हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, सबसे दुर्बल बल होता है, नाभिकीय बल, चुंबकीय बल, वैद्युत बल, ठीक है, इन सबसे दुर्बल बल होता है आपका कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं यही, जी हाँ यही होता है सबसे दुर्बल बल, गुरुत्वाकर्षण, सॉरी क कहाँ गया जी, गुरुत्वाकर्षण बल ही क्या होता है, दुर्बल बल होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 11 का ऑप्शन गुरुत्वीय बल ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या है, करेक्ट है। बात समझ में आई होगी, याद कर लीजिएगा, इसको माइंड में फिक्स कर लीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, तुल्यकाली उपग्रह की परिक्रमा की अवधि होती है, तुल्यकाली उपग्रह, संचार उपग्रह या भू अस्थाई उपग्रह, आप जो भी कहिए, इन तीनों में से किसी भी को भी कह लीजिए। हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण का मैंने बोला ना, इसमें बहुत शॉर्टली दिया है, आप देखेंगे पॉलिटेक्निक का फिजिक्स का, तो उसमें बताया गया है तुल्यकाली उपग्रह के बारे में, उसी को भू अस्थाई उपग्रह कहते हैं, संचार उपग्रह कहते हैं, उसी को कहते हैं। तो उसका जो आवर्तकाल होता है, पृथ्वी के अपने अक्ष पे जो घूर्णन करती है जितने समय में, उतना ही उसका आवर्तकाल होता है, अर्थात 24 घंटे का होता है, कितने का होता है,
24 घंटे का होता है। भूअस्थायी उपग्रह की उसी को बोलते हैं तुल्यकालीन उपग्रह। क्या बोलते हैं? तुल्यकालीन उपग्रह। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 24 घंटे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? करेक्ट है, 24 घंटे। ठीक है, आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये? 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है। जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है लागू होता है इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है भाई? अनावेशित कणों के लिए, सेकेंड कर रहा है आकाशीय पिंडों के लिए, सी कर रहा है ग्रहों के लिए, डी कर रहा है सभी पिंडों के लिए। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो सभी पिंडों के लिए निर्भर करता है। न्यूटन ने बताया था कि जितने भी पिंड है, जितने भी इस ब्रह्मांड में पिंड है, वो एक दूसरे बल, दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षण करता है, जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है सबके लिए होता है, वो चाहे धनावेशित हो, ऋणावेशित हो, जैसा भी हो, ठीक है, आकाशीय हो, ग्रह हो, कुछ भी हो, सबके लिए काम करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद से जो क्वेश्चन बचेगा उसको अगले वीडियो में देखेंगे। और वो क्वेश्चन कौन सा है? तो 14 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का द्रव्यमान होगा। इसको आपको दिखाया गया होगा स्क्रीन पे या बताया भी हो गया कि जो पृथ्वी के केंद्र पे होता है वहां पे जी का मान शून्य होता है। क्या होता है? जी का मान शून्य होता है, और वहां पे वस्तु का द्रव्यमान भी क्या होता है? शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पे शून्य होता है, उसका द्रव्यमान क्या होता है? शून्य होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 14 का 0, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? डी करेक्ट होगा, डी। और डी में से इस शून्य को उठा लीजिए, क्या होता है? शून्य होता है। बात समझ में आई होगी? ठीक है, तो 14 तक के क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप लोग कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, जितने भी हम लोग नए वीडियो अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।